बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। एज यू नो दैट टुडे इज़ 3rd December 2020 एंड द डे इज़ थर्सडे। जैसे कि आपको पता है कि हमने यूनिट नंबर 8 स्टार्ट किया था, ठीक है, और यूनिट नंबर 8 क्या था? हीट। यूनिट यूनिट नंबर 8, ठीक है, एंड दैट इज हीट। तो यूनिट नंबर 8 में हमने हीट के बारे में पढ़ा था कि हीट क्या है, हीट किसे कहते हैं, ठीक है, और हीट जो फ्लो कर रही थी वो किस तरह से फ्लो कर रही थी, वो सारा हमने स्टडी किया था यूनिट नंबर 8 में। तो हम पहले यूनिट नंबर 8 को रिव्यू कर लेते हैं, सारा रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोगों ने आज करने हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो हीट सबसे पहले हमने देखा था, तो हमारे पास था टेम्परेचर और हीट। टेम्परेचर क्या था कि कोई भी चीज़ कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, उसको हमने कहा था टेम्परेचर, ओके। फिर उसमें था टेम्परेचर की मैंने आपको डेफिनेशन मार्क करवाई थी, टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल्स में जो एवरेज एनर्जी थी वो आपके पास था बेसिकली टेम्परेचर। नेक्स्ट आपके पास आ जाता था कि टेम्परेचर डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा था। तो टेम्परेचर हमने देखा था कि टेम्परेचर साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, ठीक है। साइज़ बेशक उसका स्मॉल है या बिग है, टेम्परेचर उस पर डिपेंड नहीं कर रहा था। तो इसमें नेक्स्ट हमने बात की थी उसकी जो एक एक्टिविटी आपको दी हुई थी पेज नंबर 77 पे, उसमें हमने देखा था कि एक ग्लास हमने रखा था सनलाइट में और एक ग्लास हमने रखा था फ्रीज़र में, ठीक है। तो उन्होंने आपसे पूछा था कि पार्टिकल्स का मूवमेंट किस में ज़्यादा है, ग्लास में ज़्यादा है या किस ग्लास में ज़्यादा है, जो सनलाइट में ग्लास है उसमें ज़्यादा है या दूसरे ग्लास में। तो आपने इसका आंसर क्या किया था कि जो ग्लास आपका सनशाइन में है उसमें एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। और हमने इसका इसके पीछे रीज़न क्या था, बिहाइंड रीज़न क्या था इसमें, तो ये हमने स्टडी किया था कि जब भी हमारे पास कोई भी चीज़ हम उसको हीट देंगे, ठीक है, जब हम उन्हें हीट करेंगे तो क्या होगा, उसके पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करना स्टार्ट करेंगे फास्टर, ओके। जब पार्टिकल्स तेज़ मूव करेंगे, फास्टर मूव करेंगे, तो क्या होगा, उसका जो लेवल है वो उससे हाई हो जाएगा, ठीक है, और उसमें हीट जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, तो उसके पार्टिकल्स फास्ट मूव करेंगे। तो ये हमने स्टडी किया था, ठीक है। और जब किसी पार्टिकल को हमने कूल किया था, ठंडा किया था, तो उसके पार्टिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए थे और उसका जो मोशन था वो स्लो हो गया था। ये हमने सारे स्टडी किया था टेम्परेचर में, ओके। ये मैं राइट नहीं करी, ये जस्ट हम रिकॉल कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास था हीट। हीट हमने देखा था, हीट की डेफिनेशन थी हीट द ऑब्जेक्ट कंटेन्स इज अ टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी इट हैज़, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट में थर्मल एनर्जी कितनी है वो आपके पास है सिंपली हीट, ठीक है। हीट इज़ अ ट्रांसफ़र और फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ वार्मर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट। हीट क्या था, ट्रांसफ़र था फ्लो ऑफ एनर्जी का, ठीक है। जो एनर्जी हमारी फ्लो करती है, जो ट्रांसफ़र करती है गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट में, वो हमारे पास था हीट। इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था, इसकी हमने एग्जांपल्स भी देखी थी, ठीक है, और हमने फिर इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी स्टडी किया था। तो इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या थे कि हीट कैन मेल्ट सॉलिड, ठीक है। हीट क्या क्या काम कर सकती है, तो हीट सॉलिड्स को मेल्ट करती है। इसमें हमने जो एग्जांपल देखी थी सिंपल सी, वो क्या थी कि आपके पास बटर था, ठीक है, आपने बटर में पैन में एक बटर लिया था, उसको जब हीट किया था तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया था, मतलब कि वो मेल्ट हो गया था, ओके। सॉलिड जो कन्वर्ट हो गया था लिक्विड में, तो हीट कैन मेल्ट सॉलिड। नेक्स्ट आपने देखा था कि हीट कैन एवेपोरेट लिक्विड, ठीक है, हीट से आप जो लिक्विड है उसको इवेपोरेट कर सकते हो। और थर्ड क्या था, हीट इज़ मेजर्ड इन जूल्स। तो ये यूनिट था आपके पास हीट का, और आपने ये यूनिट जो है वो याद रखना है, ओके। यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल्स।
उसके बाद हमने देखा था कॉन्सेप्ट चेक, आपके पास एक दो ब्लैंक्स थी, ठीक है, उन्होंने उसमें चेक करना था कि आपको आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। तो वो हमने जो किया था, डैश इज़ द मेजर ऑफ एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस, ठीक है। तो एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ही टेम्परेचर, ठीक है। तो वो आपने टेम्परेचर फिल कर लिया था, उसमें लिख लिया था। नेक्स्ट ब्लैंक थी, डैश इज द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस, ठीक है। जो एवरेज एनर्जी थी वो तो टेम्परेचर था, और जो थर्मल एनर्जी की जब बात होती है तो वहाँ पे हीट आ जाता है, थर्मल मीन्स हीट, ठीक है। तो थर्मल में एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस में आपके पास आ जाएगा हीट, ओके। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा था वो था थर्मोमीटर। अब आपने हीट भी पढ़ लिया था, टेम्परेचर भी पढ़ लिया था, ठीक है, कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं। तो अब आपने एक इंस्ट्रूमेंट देखा था कि दो इन चीज़ों को मेजर करने के लिए आपको क्या चाहिए, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से आप टेम्परेचर को मेजर करो या चेक कर सको। तो फिर हमने स्टडी किया था थर्मोमीटर, और थर्मोमीटर हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था, उसमें उसका वर्क बताया था, उसकी कंस्ट्रक्शन बताई थी, ठीक है, उसकी प्रिकॉशंस बताई गई थी, और उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारा उसमें डिस्कस किया गया था। तो वो हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो थर्मोमीटर क्या है? थर्मोमीटर एक ऐसी डिवाइस है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से आप टेम्परेचर को चेक करो, ठीक है। थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेक करने के लिए थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन थी कि थर्मोमीटर बना कैसा है, किस तरह का है, कंपोजिशन क्या है उसकी। तो उसमें आपने देखा था थर्मोमीटर जो था वो एक ग्लास ट्यूब थी आपके पास, ठीक है, और उसमें क्या था, ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब थी, ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब थी, उसमें एक साइड पे बल्ब प्रेजेंट था, और उस बल्ब में क्या फिल किया था, यस, मरकरी और अल्कोहल, या मरकरी था और या फिर अल्कोहल फिल किया हुआ था। फिर हमने देखा था कि टेम्परेचर हम जब चेक करते हैं तो किस तरह से मरकरी जो है वो ऊपर अपवर्ड जाता है, और हमारे पास टेम्परेचर जो है वो आ जाता है डिजिट्स की फॉर्म में। तो हमने देखा था कि जब हमारे पास एयर जो है थर्मोमीटर के अराउंड, जो एयर है सराउंडिंग में, जब वो हॉट होती है तो क्या होता है कि मरकरी एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, उसके पार्टिकल्स में कोलिजन ज़्यादा होती है और वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। तो जब वो एक्सपेंड होता है मरकरी, तब आपके पास वो अपवर्ड मूव करता है, और जितनी आपकी एयर जो है वो गर्म है वहाँ तक वो मूव करेगा, और आपके पास सिंपली टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद था कि जब आपके पास टेम्परेचर जो एयर है आपकी वो है कम, ठीक है, उसका टेम्परेचर कम है, मतलब वो ठंडी है एयर, तो क्या होगा, लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसके पार्टिकल्स जो हैं, पहले वो एक्सपेंड हो रहा था फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके पार्टिकल्स करीब करीब आना शुरू हो जाएंगे, और जितनी आपकी एयर है ठंडी वो वहाँ तक जाएगा और वो आपके पास रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि वो जो रीडिंग आप ले रहे हो वो किस तरह से ले रहे हो। तो रीडिंग में आपके पास स्केल्स दिए हुए थे थर्मोमीटर में, ठीक है, दो स्केल्स यूज़ किए थे, एक था फॉरेनहाइट और एक था सेल्सियस का, और सेल्सियस स्केल को आप और क्या कहते हो, डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो हम लोग टेम्परेचर चेक करने के लिए, ह्यूमन बॉडी जो टेम्परेचर है वो चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, जो स्केल यूज़ करते हैं, वो आपके पास है फॉरेनहाइट का, ठीक है। तो हमने इसमें देखा था कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो फॉरेनहाइट में है वो है 98.7 डिग्री फॉरेनहाइट, और जो आपके पास नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है सेल्सियस स्केल में वो आपके पास था 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है आइस का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस आपके पास क्या था, इसमें सिंपली ये था कि आइस जो मेल्ट हो रही थी वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसका जो हम लोग सेल्सियस स्केल की बात कर रहे थे वो था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और फॉरेनहाइट पे क्या था, 32 डिग्री फॉरेनहाइट, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। जब चीज़ पिघलती है उसका जो जिस पॉइंट पे वो पिघलती है, जिस उसकी रीडिंग जो आती है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और 32 डिग्री फॉरेनहाइट, एक सेल्सियस स्केल है और एक आपके पास है फॉरेनहाइट स्केल,
नेक्स्ट आपने देखा था प्योर वाटर बॉयल्स कब होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या था, सेल्सियस स्केल में आपके पास था 100 डिग्री सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट में था 212 डिग्री फॉरेनहाइट। ये मैंने आपसे कहा था ये वैल्यूज़ जो है कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये चेंज नहीं होती, तो आपने इन वैल्यूज़ को याद कर लेना है। उसके बाद आपने देखा था कि टेम्परेचर अगर किसी भी चीज़ का ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तो उससे कम टेम्परेचर नहीं जाता, ठीक है। अगर हम उसको ये कहें कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे नीचे टेम्परेचर नहीं जाता और इसको आप कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो, ठीक है। कल हमने एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में भी बात की थी कि वो टेम्परेचर है जिससे कोई भी चीज़ -273 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नहीं जाएगी, तो वो आपके पास सिंपली था एब्सोल्यूट ज़ीरो। लास्ट में हमने उसकी प्रिकॉशंस देखी थी, ठीक है, थर्मोमीटर यूज़ करने की प्रिकॉशंस थी, तो उसमें क्या था कि आपने जब भी थर्मोमीटर को पकड़ना है तो बहुत ही एहतियात के साथ, ठीक है, पकड़ना है, क्योंकि वो ग्लास का बना हुआ है, वो अगर वो गिरेगा तो वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। जब वो टूटेगा तो उसमें मरकरी जो है वो बाहर आएगा और वो मरकरी बहुत डेंजरस एलिमेंट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि बहुत केयरफुली उसको टच करना है और उसको कभी भी फ्लेम में नहीं रखना, थर्मोमीटर को कभी भी फ्लेम में नहीं रखना। और थर्मोमीटर पकड़ने के लिए आपने क्या करना है कि जिस साइड पे बल्ब है उसको टच नहीं करना, आपने दूसरी साइड पे हमेशा वो दूसरी साइड को टच करना है, ठीक है, बल्ब को कभी भी टच नहीं करना। तो बल्ब में क्योंकि प्रेजेंट होते हैं मरकरी और अल्कोहल। तो क्लास हमने आज जो हमारा वर्क है वो है, हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं यूनिट नंबर 8 के हीट के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने पहले कर लिया था तो वो हम आज दोबारा करेंगे, वो रिवाइज करेंगे, और बाकी इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये हमने आज अपने नोटबुक्स पे करने हैं। तो आपने क्या करना है, नोटबुक्स को रेडी करना है। नोटबुक रेडी करने का जो पैटर्न है आपने, जो आप पहले फॉलो करते हो वही करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने लिखना है यूनिट नंबर 8 और साथ में हीट, जो यूनिट का नेम है वो राइट कर देना है, ओके। उसके बाद आप लिखेंगे टॉपिक, ठीक है, टॉपिक ब्लू पेन से लिखना है और ये आपने लिखना है, सॉरी, ब्लैक पेन से लिखना है। और क्वेश्चंस क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, टॉपिक आपका क्या है, क्वेश्चन आंसर, क्या करने लगे हैं आप, क्वेश्चन आंसर्स। तो अब आपने ब्लू मार्कर लेना है और ब्लू मार्कर से आपकी हेडिंग आएगी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि आप पहले करने लगे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद ये ब्लू मार्कर से लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन, पैटर्न वही फॉलो करना है जो आप क्लास में अपनी नोटबुक्स पे करते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, define the following terms, कौन कौन से टर्म्स को डिफाइन करना है आपने। नंबर 1 ए है आपका हीट, ओके, और बी क्या है टेम्परेचर, इनको आपने डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, हीट की हेडिंग दोगे ब्लू मार्कर से हीट, ठीक है, और जब हेडिंग आती है तो उसके सामने 2 डॉट्स आएंगे, ठीक है। तो हीट की डेफिनेशन हम राइट करने लगे हैं, बिल्कुल इसके नीचे से लिखना है, हीट, ये हम काफ़ी बार रिपीट कर चुके हैं, आपको याद भी होगी,
हीट इज द ट्रांसफर, हीट इज द ट्रांसफर और फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी हीट इज द ट्रांसफर और फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी किससे ट्रांसफर करती है, फ्रॉम ठीक है, ट्रांसफर है थर्मल एनर्जी का फ्रॉम अ वार्मर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट. ओके, हीट इज द ट्रांसफर और फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ वार्मर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट. अब आपके पास है टेम्परेचर. टेम्परेचर की हेडिंग आप किसे लिखेंगे, ब्लू मार्कर से, ठीक है. तो टेम्परेचर क्या है, द एवरेज एनर्जी ऑफ, द एवरेज एनर्जी ऑफ किसकी एनर्जी, पार्टिकल्स की, द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर क्या है, द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 इज विच टू स्केल्स विच टू स्केल्स आर कॉमनली यूज्ड to measure temperature. Which two scales are commonly used to measure temperature? Temperature को measure करने के लिए कौन से दो scales हैं जो हम use करते हैं? तो अब आपका आएगा answer. ठीक है, आंसर क्या है, सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट. नंबर 1 सेल्सियस, नंबर 2 फॉरेनहाइट. कौन से दो आपके पास हैं स्केल्स जिसे आप यूज़ करते हो टेम्परेचर को चेक करने के लिए? तो वो हैं सेल्सियस स्केल और
फॉरन हाइट टेम स्केल. ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3. ये आपने अपने नोटबुक्स पर राइट करने हैं, ठीक है, साथ साथ नीट वर्क करना है. क्वेश्चन नंबर 3, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड, विच इंस्ट्रूमेंट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड to measure temperature. Which instrument is used to measure temperature? Temperature को measure करने के लिए कौन सा instrument आप use करते हो? ठीक है, ये आपको भी पता है या आप आंसर खुद भी लिख सकते हो. थर्मोमीटर, इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर. ओके, थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर. कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से आप टेम्परेचर को चेक करते हो? तो उसका आंसर है थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर. तो अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. दो टर्म्स आपको दी थी, एक हीट था और एक टेम्परेचर था. तो इसका आंसर क्या था? हीट. हीट हीट इज़ अ ट्रांसफर और फ्लो ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ वार्मर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट आपके पास है टेम्परेचर. द एवरेज एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास, विच टू स्केल्स आर कॉमनली यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर. तो आपके पास था सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट, दो स्केल्स आपके पास यूज हो रहे हैं टेम्परेचर को चेक करने के लिए. उसके बाद है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर. टेम्परेचर को चेक करने के लिए आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे? थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर. ओके, तो आज हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं इस चैप्टर के. तो आपने क्या करना है, ये नोटबुक पर राइट करना है, नीटली वर्क करना है और आपने मुझे सेंड कर देना है, ठीक है. तो अब हमारे नेक्स्ट मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें हम बाकी डिस्कस करेंगे. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.